जय श्री कृष्ण दोस्तों। दशरथ के साथी सुमंत्र ने जब यह देखा कि भगवान राम ने वन में जाने का अंतिम निर्णय ले लिया है, तो वे क्रोध में अपना संयम खो बैठते हैं और सभी के सामने अपने कटुन वचन बोलते हुए रानी के कई से बोले कि देवी, जब तुमने अपने पति महाराजा दशरथ का ही त्याग कर दिया है, तो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम अपने पति की हत्या करने वाली तो हो ही, साथ ही कुलघातनी भी हो। देव नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होता है, इसलिए तुम अपने पति महाराजा दशरथ का अपमान मत करो। इस इश्कवाकु कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य को प्राप्त करता है। तुम राज्य की इस परंपरा को महाराजा के जीते जीत मिटा देना चाहती हो? देवी, यदि तुमने ऐसा मर्यादाहीन कर्म किया तो हम सभी अयोध्या वासी भी श्री राम के साथ वन में चले जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र भरत के राज्य में कोई भी प्राणी निवास नहीं करेगा। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। महाराजा दशरथ के सारथी सुमंत्र जब यह देखते हैं कि उनकी इस बात का भी कोई प्रभाव रानी के कई पर नहीं पड़ा है, तो वाक्य कई से कहते हैं, देवी, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी माता की तरह ही है। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम सभी जानते हैं। एक बार एक साधु ने तुम्हारे पिता को एक बड़ा ही उत्तम वर दिया था, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे थे। तेरे योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनके समझ में आ जाती थी। परंतु इस वर के साथ ही साधु ने तुम्हारे पिता से यह भी कहा था कि यदि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ बताओगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिता अपने कक्ष में शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय एक जुरुम्ब नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस पक्षी की बात सुनकर तुम्हारे पिता जोर से हंस पड़े थे। तुम्हारे पिता की उसी शैया पर तुम्हारी माता भी सोई पड़ी थी। तुम्हारी माता को लगा कि तुम्हारे पिता उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी माता कुपित होकर उठी और तुम्हारे पिता से बोली कि तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता से कहा, देवी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे पिता की यह बात सुनकर भी तुम्हारी माता ने उनसे यह कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। तुम्हारी माता के ऐसे कहने पर तुम्हारे पिता उस वर देने वाले साधु के पास गए और उन्हें अपनी पूरी बात कह सुनाई। तब उस साधु ने तुम्हारे पिता से यह कहा कि तुम्हारी रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे ना बताना। देवी, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता की सबसे प्रिय रानी थी, परंतु उसके इस हट के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया था। आज तुम भी अपनी माता की तरह ही अनुचित आग्रह कर रही हो, इसलिए आज मुझे यह लुकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। परंतु तुम इस लुकोकित को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो और अपने पति को अनुचित कर्म में ना लगाओ। श्री राम का इस राज्य पर अभिषेक होने दो। यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन में चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। इस तरह सुमंत्र ने अपने हाथ जोड़कर संतावना पूर्ण तथा तीखे स्वर में बारंबार समझाने का प्रयास किया, परंतु कैकेयी टस से मस ना हुई। यह देख राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि तुम राम के साथ मेरी रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को राम के साथ जाने की आज्ञा दे दो। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना तथा अन्न भंडार ये दोनों श्री राम के साथ भेज दो, जिससे श्री राम पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे तथा आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देकर ऋषियों के साथ मिलकर वन में सुख पूर्वक रहेंगे। महाराजा दशरथ की यह बात सुनकर कैकेयी का मुंह सूख गया था और भय के कारण उसका स्वर भी रुंद गया था। तब कैकेयी राजा दशरथ की ओर मुंह करके बोली, महाराज, जिस सुधा का सार भाग पहले ही पी लिया गया हो, उसे सूरा पीने वाले लोग कभी ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और शून्य राज्य को भरत भी कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने बड़े ही क्रोध में भरकर कैकेयी से कहा कि अहित कारणी श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने पर तू जो ये प्रतिबंध लगा रही है, यह बात तूने मुझसे वर मांगते समय क्यों नहीं कही थी? तब तूने यह प्रार्थना क्यों नहीं की थी कि श्री राम को अकेले ही वन में जाना पड़ेगा?
उसके साथ बंधु बांधव, सेना तथा राजकोष आदि सामग्री नहीं जा सकती है। राजा दशरथ के यह क्रोधी वचन सुनकर रानी के कई ने उनसे दुगना क्रोध करते हुए कहा कि महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निकालकर उसके लिए अपने राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। उसी प्रकार राम को भी इस राज्य से निकल जाना चाहिए। कैकई के ऐसे कटुन वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध होकर लज्जा से गिर गए थे तथा महाराजा दशरथ क्रोध में भरकर कैकई को धिक्कारने लगे थे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।